the first battle of Panipat. For the first battle of Panipat ko samajhne ke liye, we have to look into the politics of Central and West Asia in the 15th century and also Northern India, जहाँ पे आपके इब्राहिम लोदी रूल कर रहे थे। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं 15th सेंचुरी सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, क्योंकि इनका पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज व्हाई बाबर कम्स टू इंडिया एंड फाइट्स द बैटल ऑफ पानीपत। सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मंगोल एम्पायर इन द 14th सेंचुरी, तैमूर यूनाइट करते हैं ईरान और तुरान को एक बार फिर अंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तैमूर का जो एम्पायर है, ही एक्सटेंड्स फ्रॉम लोअर वोल्गा टू रिवर इंडस, विच इंक्लूड्स एशिया माइनर, ईरान, ट्रांसऑक्सेनिया, अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ पंजाब। हाउएवर तैमूर डाइज इन द ईयर 1405 एंड उसके बाद देयर इज अ वेरी वेरी लार्ज स्केल डिक्लाइन जो कि शुरू हो जाता है इन द सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी, बिकॉज तैमूर्स की एक ट्रेडिशन होती थी जहां पे वो लैंड्स को पार्टिशन करते थे। सो दिस लेड टू द पार्टिशनिंग ऑफ द एम्पायर एंड इवेंचुअली डिक्लाइन इन द सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी। ये डिक्लाइन एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू न्यू एलिमेंट्स जो कि पहली बार फोर फ्रंट में आते हैं। फ्रॉम नॉर्थ कम्स अ टोर्को मंगोल ट्राइब उज़्बेक्स हु थ्रस्ट इनटू ट्रांसऑक्सेनिया एंड फ्रॉम द वेस्ट अ न्यू डायनेस्टी सफाविड डायनेस्टी आती है और ये ईरान को डोमिनेट करने लगती है। फर्दर टू द वेस्ट ऑफ ईरान ऑटोमन टर्क्स का जो पावर है इट स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड इंक्रीजिंग। दे वांटेड टू डोमिनेट ईस्टर्न यूरोप अलोंग विद ईरान एंड इराक। तो ये जो सीन होती है वेयर दीस पावर्स आर राइजिंग, दिस सीन वाज सेट फॉर द कॉन्फ्लिक्ट जहां पे तीन माइटी एम्पायर्स एशिया में 16th सेंचुरी में एक कॉन्फ्लिक्ट वाले सीन में आ जाते हैं। बाबर इन द ईयर 1494 was just 12 years old. तो बाबर सक्सीड करते हैं टू फरगना, which is a very very small state in Transoxiana. बाबर के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है and that is why he is not able to move to west. तो वो क्या करते हैं, वो ईस्ट के टूवर्ड्स आ जाते हैं। It is at this time India में, जहाँ पे आप देखोगे North India, it was under the control of Ibrahim Lodi. अब इब्राहिम लोदी सुल्तान होते हैं, who is supposed to have absolute power. बहुत ही ज्यादा डेस्पोटिक किंग थे। ऑन द अदर हैंड इनकी जो नोबिलिटी थी इट वॉज वेरी वेरी ब्रेव और फ्रीडम लविंग एंड दैट इज वाई इब्राहिम लोदी को लोग पसंद नहीं करते थे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट दौलत खान लोदी जो कि पंजाब के गवर्नर होते हैं, ही इनवाइट्स बाबर टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोदी। बाबर जो कि पहले एक बहुत ही पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया में रूल कर रहे थे और उन्हें पता था कि वो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन कभी भी नहीं कर पाएंगे, दैट इज वाई ही एक्सेप्ट्स द ऑफर एंड वो आ जाते हैं, अपनी जर्नी शुरू करते हैं इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड यहाँ पे वो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ते हैं, विच इज कॉल्ड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच टेक्स प्लेस इन द ईयर 1526। तो जब ये बैटल शुरू होती है तो बाबर दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं, इब्राहिम लोदी बाबर के साथ मिलते हैं पानीपत में एंड कहा जाता है कि उनकी जो आर्मी होती है इट कंसिस्टेड ऑफ 1 लाख मैन एंड 1000 एलिफेंट्स। बाबर जब इंदस क्रॉस करते हैं तो उनके पास अप्रोक्सीमेट 12,000 का फोर्स होता है। हाउएवर बीच में जब ये इंडिया आते हैं तो बहुत सारे हिंदुस्तानी नोबल्स और सोल्जर्स भी हैं जो बाबर को पंजाब में ज्वाइन करते हैं। इसके बाद भी बाबर जो है वो बैटल ऑफ पानीपत जीत जाते हैं। How? Because Babur used two very very important techniques in the Battle of Panipat, और इस techniques को हम कहते थे one very important technique and tactics which was called the Tulugma technique and also the Araba technique. Basically हुआ क्या था इस battle में, Babur used guns which was very very important. पहली बार वो क्या करते हैं, cannons का इस्तेमाल करते हैं और ये जो गन्स एंड कैनन्स बाबर इस्तेमाल करते हैं और जब ये चलते थे बैटल में तो इनकी जो आवाज़ होती थी कैनन की और गन की, इससे इब्राहिम लोदी के जो एलिफेंट्स होते थे वो एलिफेंट्स इससे बहुत ज़्यादा डर जाते थे और जब वो भागने की कोशिश करते थे तो ये एलिफेंट्स खुद ही इब्राहिम लोदी के मैन के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गए। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, पहली बार कैनन्स का इस्तेमाल होता है इन द बैटल। एंड कमिंग टू हिज मेथड द तुलुगमा और द अराबा मेथड, इस मेथड में क्या होता था, पूरी आर्मी को लेफ्ट राइट और सेंटर में डिवाइड कर दिया जाता था। द लेफ्ट एंड राइट डिवीजन
it was further subdivided into forward and rear division. इससे क्या होता था, सबसे बड़ा फायदा इस डिवीजन से ये होता था दैट अ स्मॉल आर्मी कुड बी यूज्ड टू सराउंड एन एनिमी फॉर ऑल साइड्स. आप एक एनिमी को चारों तरीके से घेर सकते थे थ्रू दिस मेथड. एंड जब आप घेर लेते हो आर्मी को तो जो आपका सेंटर डिवीजन होता है वो फॉरवर्ड आता है एंड देन दे वर प्रोवाइडेड विद गार्ड्स जिसको अराबा कहते थे विच वर प्लेस्ड इन रोज फेसिंग द आर्मी एंड इट वॉज टाइड टू ईच अदर विद एनिमल हाइड रोप्स. ये जो आपके कार्ड्स थे इनके पीछे आपके कैनन्स थे और इस कैनन्स को प्रोटेक्ट किया था और सपोर्ट किया था थ्रू मैंटलेट्स. एंड इससे ये होता था कि आपके जो कैनन्स होते थे दे कैन इजिली बी यूज्ड मूव्ड एंड मैनूवर. ये जो दो टेक्निक्स हैं इसने बाबर की लड़ाई को बहुत ही ज्यादा एक अलग डायरेक्शन में ये लेके जाते हैं. इससे क्या होता था, आप गन्स एंड कैनन्स फायर कर सकते थे विदाउट द फियर ऑफ बीइंग हिट एंड दिस इज व्हाट हैपेंड. इससे उनके जो बुलॉक कार्ड्स रहते थे ये सारे शील्ड रहते थे एंड दे वर हेल्ड इन प्लेसेस ड्यू टू द हाइड रोप्स व्हिच वाज होल्डिंग देम टुगेदर. इससे जो आपके कैनन्स की जो नोजल होते थे दे कुड ऑल्सो बी चेंज्ड एज दे कुड बी मैनूवर्ड बाय द मैंटलेट व्हिच वाज प्रोवाइडेड बाय द व्हील्स. तो ये जो लड़ाई थी ये बाबर जीतते हैं. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स इन द बैटल. एंड ये जो आपकी पानीपत की लड़ाई है इट गोज ऑन फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 hours. बट इवन इब्राहिम लोदी के पास बहुत सारी प्रॉपर आर्मी थी बट हाउएवर इब्राहिम लोदी हैज टू फेस डिफीट क्योंकि बाबर ने ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की इस्तेमाल की थी इन द बैटल ऑफ पानीपत विच मेक्स द बैटल ऑफ पानीपत वेरी वेरी यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया.